हनुमानगढ़ जिले के गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब मंडी गोलूवाला में चल रहे 15वें सालाना गुरुमत संगमागम का कल समापन हो गया। श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व और उनके परिवार के बलिदान माह के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय गुरुमत समागम कार्यक्रम में श्री अखंड पाठ के भोग डाले गए। साथ ही श्री दमादम साहिब से आए पंच प्यारों ने अमृत संचार किया। इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह महाराज के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। वीरां ने पतावां भैणां ने नगर कीर्तन दे विच सेवावां कीतियां ने जां तिन्न रोजा समागमां दे विच वध चढ़ के सेवावां कीतियां ने। सारियां ही संगतां दा कोटान-कोट धन्नवाद कीता गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कृपा दा सदका हर साल बड़े ही चढ़दी कला दे नाल इह समागम मनाए जांदे ने। अरदास करदे आं कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी इसे तरह सानूं अपने चरणां दे नाल सेवा ते सिमरन दे नाल जोड़ के इसे तरह गुरपुरब मनाउंदे रहिए। गुरबाणी दे नाल जुड़ के असीं अपने जीवन नूं सफला करदे रहिए। बहुत ही वधिया सुचज्जे ढंग नाल सेवा निभाई। सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद कीता जांदा है। मुख सेवादार बीबी हरमीत कौर खालसा जिन्हां दी अगवाई हेठ और सार समूह इलाके दीआं संगतां ने जिन्हां ने रल मिल के शरदा भावना दे नाल बहुत वधिया सोहणे ढंग नाल समागम निभाया। अगे तो आउण वालीआं सारीआं संगतां दे चरणां विच इही अरदास बेनती है कि वध तो वध संगतां गुरु इतिहास नाल जुड़ीए ते आपां सारे रल मिल के वधिया सोहणे ढंग नाल गुरु इतिहास नाल जुड़ीए अते शरदा भावना नाल मनाईए कि सब संगतां नूं आउण वाले सारियां जनरेशन नूं पता लगे कि सिख इतिहास बारे जाणू ते सुचेत होण। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह सरबंस दानी, जिन्हां ने अपना पूरा परिवार चार साहिबजादे माता गुजरी पिता गुरु तेग बहादुर महाराज पूरा ही परिवार अते अनेकां सिंघ धर्म लई शहीद हो गए। उस शहादत नूं याद करदियां सारिया ही संगतां इलाके दीआं संगतां इह गुरमत समागम इकट्ठियां हो के हिंदू मुस्लिम हर एक धर्म दा बंदा इस समागम दे विच शामिल हुंदा है। झालावाड़ में तेज सर्दी के साथ ही घना कोहरा छाया हुआ है। यहां सुबह घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में तेज सर्दी से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। चूरू जिले में भी तेज सर्दी का प्रकोप बना हुआ है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं जिले भर में घना कोहरा छाने से यातायात प्रभावित हो रहा है। जिले में तेज सर्दी के कारण स्कूलों की छुट्टी 5 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। उधर ग्रामीण क्षेत्रों में तेज सर्दी के कारण खेतों में फसलों पर हल्की बर्फ की परत जमी हुई देखी जा रही है। कहने की बात है, मैं तो इस बार तो सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। टेम्परेचर भी लगभग माइनस के चल रहा है। इस बार जो सर्दी में जो अभी सूखापन है, बारिश हुई नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा ठंडी है। सूखी सर्दी जिसे बोलते हैं हम। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं घना कोहरा छाने से रेल, सड़क और हवाई यातायात पर भी असर पड़ रहा है। इसके चलते लंबी दूरी की कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। उधर प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू में पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। यहां खुले मैदानों में और पेड़ पौधों पर बर्फ की परत जमी हुई देखी जा रही है। राजधानी जयपुर में भी आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक राज्य में कोहरा छाया रहेगा। पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में घने से अति घना कोहरा दर्ज किया गया है। आज जयपुर एयरपोर्ट पर सबसे कम विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई है। इसके अलावा
राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भागों में कहीं कहीं अति कोल्ड डे सीवियर कोल्ड डे की परिस्थितियां बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम अधिकतम तापमान गंगानगर में 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि औसत से 8.2 डिग्री सेल्सियस कम है। घने कोहरे और कोल्ड डे की परिस्थितियां अभी भी राजस्थान में अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो फिलहाल सामान्य के आसपास है, परंतु 2-3 दिन बाद न्यूनतम तापमान में और 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से शेखावटी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं शीतलहर की परिस्थितियां भी बनने की संभावना है। अब आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे एक बार फिर से। राज्य सरकार आज से 450 रुपए की दर से सब्सिडी युक्त घरेलू गैस सिलेंडर कराएगी उपलब्ध। महिला लाभार्थी के खाते में सीधी भेजी जाएगी सब्सिडी राशि। देश भर में हर्षोल्लास के साथ किए गए नए साल 2024 का स्वागत। लोग भगवान के दर्शन के साथ कर रहे हैं नए साल के पहले दिन की शुरुआत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसरो ने एक बार फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से पहले एक्सरे पॉलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट का किया गया सफलतापूर्ण प्रक्षेपण। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुधांश पंत बने प्रदेश के नए मुख्य सचिव। पंत वर्ष 1991 बैच के हैं आईएएस अधिकारी। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। घना कोहरा छाने से रेल, सड़क और हवाई यातायात पर पड़ रहा है असर। खबरों के सिलसिले में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार। On boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे एक महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ऑम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राज्य सरकार आज से छूट देगी 450 रुपए लीटर से घरेलू गैस सिलेंडर तिरावला। महिला लाभार्थी का खाता में सीधी भेजी जावला छूट की रकम।
देश भर में 400 करोगे 2024 सत्कार, लोग भगवान रात दर्शन रसात ने कर दिया है। नुआ बरस रहा पहला दिन की शुरुआत, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देशवासियों ने दीना नुआ बरस की शुभकामनावा। इसरो एक कर फेरू रचो इतिहास, श्री हरिकोटा सु पहला एक्सरे पोल्ट्री मीटर सैटेलाइट एक्सपोस्ट सेट रोक करो गयो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। भारतीय प्रशासनिक सेवा रा अठावा अधिकारी सुधांश पंत बनया प्रदेश का नुआ मुख्य सचिव, पंत बरस 1991 बैच रहा है आईएएस अधिकारी। प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, पालो पड़वार कारण रेल सड़क और हवाई यातायात माथे पड़ियो है असर। नमस्कार, नुआ बरस री आप सब ने घनी घनी शुभकामनावां। आरब खबरां विगतवार। राज्य सरकार आज सो छूट देगी 450 रुपया री दर सो घरेलू गैस सिलेंडर देवला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा घोषणा करया है कि छूट री रकम महिला लाभार्थी रा खाता में सीधी भेजी जावला। अबार गरीबी रेखा सो नीचे रह रिया लोगा और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रा लाभार्थियों ने 500 रुपया री दर सो गैस सिलेंडर दियो जावा है। हर परिवार ने हर बरस सब्सिडी आला 12 सिलेंडर मिलेला। देशभर में लोग नुआ बरस 2024 सत्कार करया। आज लोग नुआ बरस रा पहला दिन की शुरुआत मंदिरा और धार्मिक जगह भगवान रा दर्शन रा साथे कर रिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने नुआ बरस री शुभकामनावा देना है। के बीच देश के अलग अलग राज्यों से एक मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है। यह नजारा है साल के पहले सूर्योदय का, जहां पहाड़ों से लेकर समुद्र के किनारों तक सूरज की पहली किरणें धरती को रोशनी से भर रही हैं। पश्चिम बंगाल में साल 2024 का पहला सूर्योदय देखा गया, वहीं उड़ीसा में भी लोगों ने सूर्योदय के दर्शन किए। असम में साल 2024 का पहला सूर्योदय देखा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि वर्ष 2024 सभी के लिए प्रसन्नता, शांति और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने कहा कि जनता को राष्ट्र की प्रगति में योगदान करते रहना चाहिए, राष्ट्र और समाज को समृद्ध बनाने की शपथ लेनी चाहिए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि नया वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए। उन्होंने कहा कि हम सभी भारत की समग्र प्रगति और समृद्धि में योगदान करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को शानदार 2024 की शुभकामनाएं, यह वर्ष सभी के लिए समृद्धि, शांति और बेहतर स्वास्थ्य लेकर आए। जयपुर में लोग नुआ बरस रो सत्कार दूध महोत्सव रे साथे करया। इन दौरान कई जगह लोगा ने दूध पिला नशो छोड़वा री अपील करी गई। जयपुर रा सवाई मानसिंह सभाखाना रा सुश्रुत सभागार रसा में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का निशु दूध महोत्सव राखी जो। इन दौरान काउंसिल रा रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन रा अध्यक्ष प्यारेलाल समेत कई पदाधिकारी लोगा ने दूध पिला नशा से दूर रहवा री अपील करया। बठिंडा राजस्थान विश्वविद्यालय रे बारे भी दूध महोत्सव राखी जो। प्रदेश भर में लोग नुआ बरस री शुरुआत भांत भांत रा आयोजन रे साथे कर रिया है। इन्हीं कड़ी में आज लोग जयपुर आराध्य देव गोविंद देव जी और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन कर नुआ बरस री शुरुआत करया। इन्हीं दौरान लोग प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि की कामना करया, साथ ही लोग दान पुण्य और गायन चारों खिलार नुआ बरस री शुरुआत कर रिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नुआ बरस रे मौके जयपुर राम निवास बाग और जेके लोन सभाखाना रे कन्ने बनिया रैन बसेरा में रह वाला लोगा सु मिलर वारा हाल चाल पूछा। साथ ही सड़का माले रह वाला लोगा ने जाड़ा सु बचाव खातर कांबड़ा बाटिया। मुख्यमंत्री रैन बसेरा में बंदोबस्त रो जायजो ले प्रबोधका और कार्मिका ने अठे साफ सफाई और सगली जरूरी सुविधावां देबारा हुकम देना।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज सुमारे 9:10 माले श्री हरिकोटा सु ध्रुवीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-58 सु पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट रो सफल प्रक्षेपण करियो। यह मिशन खगोलीय स्रोता सु ब्रह्मांडीय एक्सरे रा ध्रुवीकरण रो अध्ययन करवा सु जुड़ा भारत रा पहला समर्पित वैज्ञानिक प्रयास ने दर्शावे है। प्रमोचन से 15 सेकंड की दूरी पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोचन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से PSLV C-58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा। भारतीय प्रशासनिक सेवा रा ठावा अधिकारी सुदांश पंत ने प्रदेश रो नवो मुख्य सचिव बनाए गयो है। कार्मिक महकमो इन बाबत काल हुकम जारी कर दिनो। पंत आपरा पद साथ राजस्थान राज्य खान आर खनिज निगम लिमिटेड रा अध्यक्ष पद रो अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। जानवा जोग है कि सुदांश पंत बरस 1991 बैचरा IAS अधिकारी है जो लाल लाखिणी बरसा सो प्रतिनियुक्ति मिले हा। झुंझुनू जिला रा सिंघाना में BSF रा जवान रो काल सैनिक सम्मान रसाथे अंतिम संस्कार कर दियो गयो। सिंघाना रा रैनिया सुनील वर्मा BSF री 56वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल रा पद माले गुजरात में तैनात था। BSF रा इंस्पेक्टर गिरीश गोगोई बताया कि ड्यूटी रे दौरान सड़क हादसा में वारी मौत वेगी। अंतिम संस्कार रे दौरान विधायक श्रवण कुमार पेलियाड़ा सांसद संतोष अहलावत समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहा। ये गांधीनगर में BSF में तैनात था। गांधीनगर में इन्हें आउटलिविंग परमिशन लेके फैमिली रखा हुआ था। जब ये ड्यूटी ख़त्म होने के बाद आपका क्वार्टर में जा रहा था बाइक के दौरान अपना पर्सनल, तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, यही फैक्ट है। तो हम इस शहीद को आप लोग का पास लेके आए हैं बाकी उनके संस्कार करने के लिए। बाकी हमारा बीच में से हमारा जो बंधु है, हमारा जो दोस्त है, ये सब का एक परिवार को हम खो दिया है, हमारा खेद है। और आप लोग के पास समय पर यहाँ नहीं पहुँचा पाया, फिर भी जब पहुँच गया है बाकी अंतिम संस्कार का कार्रवाई करने के लिए हम अपना परिजनों को अनुरोध करते हैं कम से कम समय में। राजस्थान में विशेष तौर पर झुंझुनू जिला वीरों की शहादत के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक सैनिक अगर है तो झुंझुनू जिले के, और सबसे अधिक अगर सैनिक है तो इस हमारे क्षेत्र के सूरजगढ़ विधानसभा के। तो आज आप सबकी तरफ से मैं नम्र आँखों से शहीद को श्रद्धांजलि देती हूँ। हनुमानगढ़ जिला रा गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब पंडित गोलवाला में चल रियो 15वो सालाना गुरुपद समागम काल पूर्व वेग्यो। श्री गुरु गोविंद सिंह रा प्रकाश पर्व अरबारा पिरवार रा बलिदान मीना रे मौके 3 दिनारा गुरुमत समागम कार्यक्रम में श्री अखंड पाठ रा भोग डाला गया। साथ ही श्री दमदमा साहिब सुआया पंच प्यारा अमृत संचार करया। इन मौके गुरु गोविंद सिंह महाराज रा इतिहास बाबत बताए गयो। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। चूरू जिला में बत्ती जाड़ो पड़ रियो है। लोग जाड़ा सु बचाव खातर अलाव रो सहारो लेता नजर आ रहा है। वठई जिला भर में घना कोहरा रे कारण यातायात माला असर वह रियो है। जिला में तेज जाड़ा रे कारण स्कूलारी छुट्टी 5 जनवरी तानी बढ़ा दी गई है। वठी ने ग्रामीण हल्का में तेज जाड़ा रे कारण खेता में फसला माले हल्की बर्फ री परत जमी देखी जा रही है।
टेम्परेचर भी लगभग माइनस के चल रहा है। इस बार जो सर्दी में जो अभी सूखापन है, बारिश हुई नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडी है, सूखी सर्दी जिसे बोलते हैं। प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर से जनजीवन माथे असर पड़ रही है। पाड़ो पड़वार कारण रेल सड़क और हवाई यातायात माथे भी असर पड़ रही है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही है। वठीना प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू में पारो जमाव बिंदु माड़े पुग्यो है। अठे खुला मैदान और पेड़ पौधा माड़े बर्फ री पड़क देखी जा रही है। राजधानी जयपुर में भी आज सुमारे सु ही घणो कोहरो छायड़ो है। मौसम महकमा रे मुजब अगला चार दिन ताणी राज्य में पाड़ो पड़ सके है। जयपुर एयरपोर्ट पर सबसे कम विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई है। इसके अलावा राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भागों में कहीं कहीं अति कोल्ड डे सीवियर कोल्ड डे की परिस्थितियां बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम अधिकतम तापमान गंगानगर में 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि औसत से 8.2 डिग्री सेल्सियस कम है। घने कोहरे और कोल्ड डे की परिस्थितियां अभी भी राजस्थान में अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो फिलहाल सामान्य के आसपास है, परंतु 2-3 दिन बाद न्यूनतम तापमान में और 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से शेखावटी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं शीतलहर की परिस्थितियां भी बनने की संभावना है। राज्य सरकार आज से छूट देगी 450 रुपया की दर से घरेलू गैस सिलेंडर देने वाला महिला अभ्यर्थियारा लाभार्थियारा खाता में सीधी भेजी जा वाला छूट की रकम। देशभर में 400 करी गई 2024 सत्कार, लोग भगवान रा दर्शनारा साथे कर दिया है। नुआ बरस रा पहला दिन की शुरुआत, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देशवासियों ने दीना नुआ बरस की शुभकामनावा। इसरो एक बार फिर रचो इतिहास, श्रीहरिकोटा से पहला एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट रोक करो गयो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। भारतीय प्रशासनिक सेवा रा 8वां अधिकारी सुधांश पंत बढ़िया प्रदेश रा नुवा मुख्य सचिव, पंत बरस 1991 बैच रा रिया है आईएएस अधिकारी। आज प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, पाड़ो पड़वार कारण रेल सड़क और हवाई यातायात माथे पड़ रही है असर। इंड साथ ही बुलेटिन अठाई पूरे सा नमस्कार।